नमस्कार जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एम सी संदीप में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम सांख्यिकी का वीडियो लेकर जाएँ इसमें हम सांख्यिकी का सामान्य परिचय देंगे और उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न करके दिखाएंगे जिससे आपके माइंड में एक का जो सामान्य परिचय है वो सेट हो जाएगा और डी एल सेमेस्टर यूपी टेड टेट और इन सभी में जो सांख्यिकी क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे तो ये जो वीडियो ये डी फोर्थ सेमेस्टर और आपका यूपी टेट सी टेट और जितने भी टेट हैं सुपर टेट कंपटीशन सब में ये काम आने वाला है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसकी माप कितने प्रकार की होती है कभी-कभी सीधा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन प्रकार की होती हैं तो ये पहली कौन सी है समांतर माध्य दूसरी है मध्यिका और तीसरी है बहुलक ये तीन तरह की होती केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अब यहां पर हम जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है वहां पर हम केवल क्या पढ़ेंगे माध्यिका और बहुलक क्योंकि समांतर माध्य हम लोग डेलेट थर्ड सेमेस्टर का कोर्स से है वहाँ पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मध्यिका की परिभाषा क्या होती है तो मध्यिका की परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पढ़ने वाला पद का मान मध्या होती है यानी अगर हम आंकड़ों को आंकड़े आपको दे रखे हैं अगर आप वो सब अव्यवस्थित हैं कहीं पंद्रह पहले है तो सत्रह बाद में है किसी में चौदह बाद में है तो इस तरह अगर आंकड़े अव्यवस्थित हैं फिर उनको क्या किया जाएगा आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए उसके बाद जो बीच में मान पड़ता है यानी मध्य में जो मान पड़ता है वही मध्यिका कहलाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्यका निकालने का सूत्र है वो आप देख लीजिए आंकड़ों को आरोही तथा तो अवरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या विषम है अगर आंकड़े आपके विषम हैं अभी मैं करके बताऊंगा तब आपके ज्यादा समझ में आएगा अभी मैं आपको थ्योरी के रूप में बता रहा हूं आंकड़ों की संख्या अगर विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मध्य का बराबर एन प्लस वन अपॉइंट टू वे पद का मान ठीक है ये सूत्र है अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा तब आपके ज्यादा समझ में आएगा यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा एक बटे दो एन बटे टू वे पद का मान प्लस एन बटे टू प्लस वन वे पद का मान तो ये है इसका फार्मूला तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करके देखते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा तो यहां पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो आप देखिए निम्नलिखित आंकड़ों की मध्य ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर मध्यिका ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा जैसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है तेईस बीस बाईस उन्नीस सत्रह बाईस चौदह सोलह पंद्रह तो हमने क्या कहा था जब मध्यिका निकालनी होती है तो जो आंकड़े हैं उनको आप या तो आरोही क्रम में रख लीजिए या तो अवरोही क्रम में रख लीजिए तो हम यहाँ क्या करते हैं इन सबको आरोही क्रम में रख लेते हैं तो हम अगर आवरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले आएगा चौदह फिर आएगा पंद्रह फिर सोलह फिर सत्रह फिर उन्नीस फिर आएगा बीस फिर आएगा बाईस फिर उसके बाद फिर बाईस आएगा क्योंकि दो बार है फिर उसके बाद आएगा तेईस ठीक है तो ये हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिया अब आरोही क्रम में सजाने के बाद आप ये देख लीजिए इनके पद कितने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ नौ पद हैं और नौ संख्या कैसी होती है विषम संख्या होती है तो हमें यहाँ मध्यिका निकालने के लिए विषम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा तो विषम वाला फार्मूला क्या था मध्यिका बराबर एन प्लस वन अपॉन टू वे पद का मान तो ये आप समझ लीजिए तो मध्यिका का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे तो मध्यिका का फार्मूला आप जब यहाँ लगाएंगे एन प्लस वन बटे टू वे पद का मान ठीक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एन कितना था कुल कितने पद थे नौ पद थे प्लस वन अपॉन टू यानी दस अपॉन टू इक्वल टू पाँच यानी पांचवें पद का जो मान होगा वही आपकी मध्यिका होगी जब इसको हमने अरेंज किया था ये जो क्वेश्चन था पहला वाला तेईस बीस बाईस उन्नीस सत्रह बाईस चौदह सोलह जब इसको हमने अरेंज किया था तब ये क्या आया था तब ये था चौदह पंद्रह सोलह सत्रह उन्नीस बीस बाईस फिर बाईस फिर तेईस तो यहाँ पर जो इसकी मध्यिका आई वो पांचवा पद आया तो यहाँ पर पांचवा पद कौन था उन्नीस ठीक है तो ये जो आपका उन्नीस होगा इस प्रश्न की मध्यिका होगी अगला प्रश्न करके देखते हैं अगला प्रश्न है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अच्छा ये आप देखिए इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही अरेंज है छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में ये पहले से अरेंज है तो यहां पर हमें क्या करना होगा यहां पर हमें ये गिन लेना है कि कितने ये पद हैं तो ये पद हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ यानी ये भी विषम है तो यहां पर भी हम वही करेंगे एन प्लस वन अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगा देंगे एन प्लस वन अपॉन टू तो एन यानि पद कितने हैं नौ नौ प्लस वन अपॉन टू यानी पाँच आ जाएगा इसमें भी दस बटे दो हो जाएगा पाँच तो पाँचवा पद यहाँ पर कौन सा है ये आप देख सकते हैं पाँचवा पद है यहाँ पर दस तो इसकी जो मध्या होगी वो हो जाएगा दस उम्मीद करता हूँ आसानी से आपके समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब इसकी मद्या निकालनी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब पहले से ही अरेंज है यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं जहाँ पर अरेंज करने की जरूरत होगी वहां आप पहले अरेंज करेंगे उसके बाद मद्या निकालेंगे तो यहाँ आप देखेंगे क्या है यहां पर आप सीधा पद गिन लीजिए पद यहाँ पर आप गिन सकते हैं ये दस पद हैं यानी पदों की संख्या सम है तो यहाँ पर जो सम वाला फार्मूला होता है हम उसको लगाएंगे तो सम वाला फार्मूला क्या है उसको हम लगा के देखते हैं तब जाके ये हमें समझ में आएगा तो सम वाला फार्मूला क्या था सम वाला फार्मूला मध्यिका का है एन बाय टू वे पद का मान ठीक है प्लस एन बाय टू प्लस वन वे पद का मान और बटे दो ठीक है एन बाय टू यहाँ पर एन की संख्या कितनी है दस और एन बाय टू कितना हो जाएगा दस बटे दो यानी पांच यानी पांचवें पद का मान ठीक प्लस अब यहां पर एन बाय टू यानी पांच और प्लस वन मतलब छ छे। मतलब छवें पद का मान और बटे दो तो यहां पर आप देख सकते हैं पांचवा पद कौन सा है पांचवा पद है ये और छठा पद है ये तो ठीक है ये चीज समझ में आ गई तो पांचवा पद है पांच और छठा पद है छ अब इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे पाँच प्लस छः बटे ग्यारह से पाँच और छः हो जाएगा ग्यारह और ग्यारह को दो से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा पाँच दशमलव पाँच यानी जो थर्ड का आंसर आएगा मध्य का वो आएगा पाँच दशमलव पाँच उम्मीद करता हूँ मध्य का ये जो आंकड़े दे हैं इनसे मध्यिका निकालना काफ़ी आसान है आप सिर्फ और सिर्फ अरेंज कर लीजिए उसके बाद पदों की संख्या गिन लीजिए सम है कि विषम उसके बाद मध्यिका का फॉर्मूला लगा दीजिए सम और विषम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दो देखते हैं अब मध्यिका निकालने का एक एक क्वेश्चन आता है इस तरह इसमें सारणी दे रखी है पद और बारंबारता दे रखी है अब आपको कैसे मधिका यहाँ पर निकालनी होगी जब सारणी दे रखी हो तो उसके बदले में हमें एक और सारणी बनानी पड़ती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम क्या लिखेंगे पद बारंबारता और संचयी भारत यहाँ पर हमें तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन में आपको दो कॉलम मिलेंगे तो कैसे करेंगे देखिए पद और बारंबारता की जगह सब वही लिख दीजिए पद के नीचे चार सात दस और बारह इसके नीचे ठीक है और बारम्बार्ता में पाँच आठ दस और इसके नीचे एक अब संचयी बारम्बार्ता वाला कॉलम कैसे भरेंगे वो आप देखिए यहाँ पाँच है तो यहाँ पाँच भर दिया अब ये वाला पाँच और ये वाला आठ दोनों जोड़कर आठ पाँच तेरह यहाँ भर दिया अब ये वाला तेरह और ये वाला दस मिलकर हो गए तेईस अब ये वाला तेईस और ये वाला एक मिलकर हो गए चौबीस तो यहाँ पर जो पदों की संख्या होती है वो लास्ट में निकल सामने आती है यही आपका होता है एन यानी पदों की संख्या अब आप यह बताइए जो 24 है वो सम है या विषम अब निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जो 24 होता है वो सम संख्या होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर मध्यका का सम वाला फार्मूला लगाएंगे तो सम वाला फार्मूला आप लगा दीजिए 24 ठीक है सम वाला फार्मूला क्या था n बटे दो वे पद का मान प्लस एन बाय टू प्लस वन वे पद का मान और बटे दो तो एन यहाँ पर कितना है एन यहाँ पर है चौबीस तो अगर हम यहाँ पर यह चौबीस बटे दो करेंगे तो बारहवें पद का मान आएगा ठीक है बारहवें पद का मान प्लस और एन बाय टू प्लस वन यानी चौबीस बटे दो प्लस वन चौबीस बटे दो हो जाएगा बारह और बारह प्लस वन एक तेरह यानी तेरहवें पद का मान ठीक है तो बारहवें पद का मान और तेरहवें पद का मान बटे दो ठीक है अब क्या करेंगे अब बारहवा पद निकालेंगे कैसे ये आप देखिए देखिए जो बारह से आप ये वाली लाइन चेक कीजिए अब देखिए यहां पर बारह से बड़ा कौन सा है ठीक है बारह से बड़ा कौन सा है बारह से बड़ा वाला कॉलम है ये ठीक है बारह से बड़ा वाला कॉलम है ये तो इसका पद कौन सा है सात तो यहां लिख दिया सात प्लस लगा दिया अब देखिए तेरवा तेरवा पद कैसे हम ढूंढेंगे तेरवा तेरह से ज्यादा या तेरह के बराबर तो तेरह से ज्यादा या तेरह के बराबर ये देखिए यहां पर तेरह के बराबर है तो इसका पद क्या है इसका पद भी सात है तो सात प्लस सात अपॉन दो चौदह बटे दो और इसका उत्तर आ जाएगा सात तो यहां पर जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका आएगा सात उम्मीद करता हूं आसानी से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा यहां पर भी सारणी दे रखी है और मध्य ज्ञात करनी है दस बारह चौदह सोलह अठारह और यहाँ पर बारंबारता यानी शिक्षार्थियों की संख्या जो है वो चार आठ बारह छः दस यहां पर भी आपको क्या करना है यहां पर भी आपको उसी तरह आपको कॉलम बनाने हैं पद बारंबारता संचयी बारंबारता तो जैसे यहां पर पद और बारंबारता लिखी थी सेम टू सेम हमने यहाँ पर पदों बारंबारता लिख दी और उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो मैंने बना दिया संचयी बारंबारता वाला ये देख रहे चार और चार और आठ हो जाएंगे बारह बारह और बारह हो जाएंगे चौबीस चौबीस और छह हो जाएगा तीस तीस और दस हो जाएंगे चालीस तो यहाँ पर जो पदों की संख्या होती है वो लास्ट वाला होता है यानी एन बराबर चालीस अब बताइए पदों की संख्या चालीस है तो ये सम है या विषम निश्चित बात है ये सम है। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो सम वाला ही फॉर्मूला लगेगा अब सम वाला यहां फिर से लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगेगा n अपॉन टू वे पद का मान n बाय टू प्लस वन वे पद का मान बटे दो तो n बाय टू यानी चालीस बटे दो तो चालीस बटे दो कितना होता है बीसवें पद का मान प्लस एन बाय टू यानी चालीस बटे दो हो गया बीस और बीस प्लस वन हो गया इक्कीस बीसवें पद का मान प्लस इक्कीसवें पद का मान बटे दो अब यहाँ पर हम ये ढूंढेंगे बीस बीसवें पद का मान और इक्कीसवें पद का मान है कौन सा अब बीस से बड़ा यहाँ देखिए बीस से बड़ा है आपका चौबीस अब आप ये कह सकते हैं बीस से बड़ा तो तीस भी है बीस से बड़ा चालीस भी है लेकिन हमें ऐसा देखना है जो बीस से बड़ा हो और सब में छोटा हो ठीक है ऐसा हमें देखना है तो बीस से बड़ा हो और सब में छोटा हो देखिए ये बीस से बड़ा है और इन सब में छोटा है देखिए बीस से बड़ा हो और सब में छोटा हो तो इसमें देखिए ये बीस से बड़ा है और बाकी में छोटा है तो हम यहां पर क्या करेंगे बीसवें पद का मान इससे लेंगे अब बात करेंगे इक्कीसवें पद का मान तो इक्कीसवें पद का मान भी इक्कीस से बड़ा आप देख लीजिए इक्कीस से बड़ा यही चौबीस ही है तो इक्कीसवें पद का मान भी इसी से निकलेगा तो ये आप समझ गए कैसे ये होगा तो यहाँ पर क्या हो गया बीसवें पद का मान भी है चौदह इक्कीसवें पद का मान भी है चौदह इसको कर दिया दो से डिवाइड चौदह और चौदह हो गया 28 28 बटे दो यानी चौदह तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आ गया ये आपका आ गया चौदह इसकी जो मध्यिका आएगी इस प्रश्न की चौदह आएगी चलिए अब आगे देखते हैं आप ये समझ गए कि मध्या को कैसे सॉल्व करना है अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए देखिए बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है एक नंबर में प्रश्न जरूर आता है तो एक तीन पांच 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 चार बहुलक का अर्थ होता है कि बहुत बार ठीक है बहुलक आप शब्द से ही समझ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ है बहुत बार तो यहां पर बहुत बार कौन सा आ रहा है पांच अब सेकेंड वाला देखिए दो चार छ तीन चार तीन चार चार सात दो तो यहां पर बहुत बार कौन सा आ रहा है चार अब तीसरा देखिए पांच सात नौ आठ सात नौ सात सात तीन पांच दो तो यहां पर बहुत बार कौन सा आ रहा है सात बहुलक का अर्थ है जो भी संख्या बहुत बार आएगी सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वही बहुलक कहलाती है तो उम्मीद करता हूं कि बदका और बहुलक दोनों आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा अब दोस्तों यहां पर आपके लिए यह प्रश्न है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर यह कुछ आंकड़े दे रखे हैं और इन आंकड़ों का बहुलक आपको बताना है तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और नीचे कमेंट में हमें जरूर उत्तर बताएं ओके दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और इन सभी की फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dlatech.in पर संपर्क कर सकते हैं उस पर लॉगिन करके आप आसानी से इन सभी फ़ोटोज़ को इन सभी टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत